अरे सुरभि जल्दी करना, देर हो रही है। बस भाभी आ गई, मैं जरा चप्पल तो पहन लूं। अरे जल्दी आ जा, नहीं तो तेरे भैया गुस्सा करेंगे। लो आ गई भाभी। भाभी आज साइकिल पर पीछे मैं बैठूंगी। अच्छा दादी, और मैं कहाँ बैठूंगी? आप आगे बैठ जाओ ना, जैसे मैं बैठती हूँ। हट पगली, साइकिल पर आगे छोटे बच्चे बैठते हैं, बड़े नहीं। ये कहानी है सुरभि और सुमित्रा की। सुरभि और विशाल भाई बहन थे। कुछ साल पहले एक हादसे में सुरभि के माता पिता की मौत हो गई थी। तभी से विशाल ने सुरभि की सारी जिम्मेदारी उठा ली। सुरभि को माँ और भाभी का प्यार मिले, इसलिए विशाल ने सुमित्रा से शादी कर ली। सुमित्रा ने भी सुरभि को अपनी बेटी ही मान लिया। वो सुरभि पर जान छिड़कती थी। उस दिन विशाल, सुरभि और सुमित्रा गांव में ही एक शादी में जा रहे थे। फिर शादी में खाना खाते हुए सुरभि बोली, भाभी ये दुल्हन ने क्या पहना हुआ है? ये लहंगा है, तेरे पास भी तो है वो नीला वाला। नहीं, लेकिन ये तो उसके जैसा बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि ये दुल्हन का लहंगा है और बहुत महंगा भी आता है। अच्छा, तो कितने का मिलता है ये वाला लहंगा भाभी? अरे तू ऐसे क्यों पूछ रही है? जब मेरी शादी होगी ना, तो आप मुझे ऐसा ही लहंगा लेकर दोगी? हाँ हाँ, क्यों नहीं दूंगी। मेरी लाडो दुल्हन बनकर कितनी सुंदर लगेगी। कितनी अच्छी हो भाभी आप। रुको, इसी बात पर मैं आपके लिए एक और गुलाब जामुन लेकर आती हूँ। अच्छा चल, पागल कहीं की। सुरभि और सुमित्रा जिस शादी में गई थी, वो गांव के जमींदार की बेटी की शादी थी। जमींदार के पास पैसों की कमी तो थी नहीं, इसलिए उसने अपनी बेटी के लिए शहर से बहुत ही महंगा ब्राइडल लहंगा सिलवाया था। पर ये बात छोटी सुरभि को कहाँ समझ आती। लेकिन सुमित्रा के दिमाग में ये बात घर कर गई थी। घर लौटते हुए साइकिल के आगे बैठी सुरभि अपने भैया के साथ ढेर सारी बातें करती रही और साइकिल पर पीछे बैठी सुमित्रा बस यही हिसाब लगा रही थी कि उसे हर महीने कितने पैसे जोड़ने होंगे ताकि सुरभि की शादी तक वो उसके लिए एक अच्छा सा लहंगा खरीद सके। वक्त गुजरता गया और फिर एक दिन, डॉक्टर साहब वो ठीक तो है ना? इन्हें सांप ने काटा है, जहर काफी ज्यादा फैल गया है। हमें इन्हें बचाने के लिए शहर से कुछ इंजेक्शंस मंगाने पड़ेंगे। आप एक काम करिए, 20,000 रुपए जितना जल्दी हो सके काउंटर पर जमा करा दीजिए। विशाल जब खेतों में काम कर रहा था, तभी उसे एक जहरीले सांप ने काट लिया था, जिसके बाद उसके साथी उसे अस्पताल तो ले आए, लेकिन डॉक्टर ने ऐसी बात कह दी थी जिसके बाद सुमित्रा सोच में पड़ गई। सुमित्रा के पास पैसे तो थे, मगर वो उसने सुरभि के लहंगे के लिए बचा कर रखे थे, लेकिन इस वक्त विशाल का इलाज ज्यादा जरूरी था। सुमित्रा ने सारे पैसे अस्पताल में जमा कर दिए। इस तरह विशाल की जान तो बच गई, लेकिन वो पहले से बहुत ज्यादा कमजोर हो गया। फिर डॉक्टर ने सुमित्रा से कहा, देखिए इनकी जान तो बच गई है, लेकिन 3-4 महीने इनसे कोई भारी काम मत करवाना, ये झेल नहीं पाएंगे। इनकी सेवा करो और खूब खिलाई पिलाई भी करनी होगी। जी डॉक्टर साहब। उस दिन से सुमित्रा पर घर चलाने की पूरी जिम्मेदारी आ गई। हालांकि अच्छी बात ये थी कि अब सुरभि जवान हो गई थी, तो सुरभि घर का काम देखती और सुमित्रा बाहर जाकर एक फैक्ट्री में काम करने लगी। तभी एक दिन फैक्ट्री से वापस लौटते हुए सुमित्रा को रास्ते में एक बहुत बड़ी दर्जी की दुकान दिखाई दी,
जिसके बाहर बड़े सुंदर सुंदर लहंगे टंगे हुए थे। सुमित्रा जानती थी कि वो लहंगे बहुत महंगे होंगे और वो उसे खरीद नहीं पाएगी, लेकिन तभी उसे कुछ सूझा। नमस्ते सेठ जी। नमस्ते नमस्ते, बताओ क्या चाहिए आपको? नहीं नहीं सेठ जी, मैं कुछ खरीदने नहीं आई हूँ, मैं तो काम मांगने आई हूँ। अच्छा, वैसे मेरे यहाँ एक मशीन खाली तो है, तुम्हें सिलाई आती है क्या? आती तो नहीं है सेठ जी, पर राम कसम बहुत मेहनत करूँगी, जल्दी से जल्दी सीख लूँगी। चाहे तो मुझे आप पैसे मत देना, बस बढ़िया सा लहंगा सिलना सिखा देना। सुमित्रा की आंखों में सच्चाई देखकर सेठ ने उसे काम पर रख लिया। अगले ही दिन से सुमित्रा उस दुकान के काबिल दर्जियों से सिलाई सीखने लगी। वो सिलाई के काम के साथ साथ दुकान की साफ सफाई भी करती। उसकी मेहनत से सेठ बहुत खुश था। फिर ठीक एक महीने के बाद, भाई सुमित्रा कुछ सीखा तुमने? आज एक महीना हो गया है तुम्हें। जी सेठ जी, ये देखिए, ये मैंने खुद सिला है। सुमित्रा के हाथों में एक बहुत ही प्यारा सा लहंगा था। उस लहंगे को देखकर सेठ बहुत खुश हुआ और फिर कुछ सोचकर बोला, सुमित्रा ये तो बहुत बढ़िया है, मगर इसमें कढ़ाई का काम थोड़ा कम होना चाहिए था। उससे क्या होता है कि एक तो तुम्हारी मेहनत भी कम लगती और हम इसे थोड़ा सस्ता भी बेच सकते थे, और दूसरी बात ये कि डिजाइन भी थोड़ा खिल कर आता। जी सेठ जी, मैं आगे से ध्यान रखूंगी। ऐसे ही मेहनत करती रहो और ये लो तुम्हारी पहली पगार। इतना कहकर सेठ ने सुमित्रा के हाथों में 10,000 रुपए रख दिए। सुमित्रा को इसकी उम्मीद भी नहीं थी। उसने सेठ का धन्यवाद किया और फौरन घर के लिए ढेर सारा राशन खरीद लिया। इधर विशाल भी अब बिल्कुल ठीक हो चुका था और अपने काम पर भी जाने लगा। इस बीच सुरभि की शादी भी तय हो गई, लेकिन सुरभि जानती थी कि उसके भाई भाभी कितनी मुश्किलों से घर का खर्च चला रहे थे। उसकी बचपन से बस एक ही ख्वाहिश थी कि वो अपनी शादी में एक बढ़िया सा लहंगा पहने, लेकिन बचपन की जिद को जवानी की समझदारी ने दबा दिया। उसने अपना मन मार लिया और किसी से कुछ भी नहीं कहा। ऐसे ही कुछ और वक्त बीता और फिर सुरभि की शादी का दिन भी आ गया। सुरभि, अरे ओ सुरभि, दरवाजा खोल जल्दी से। जी भाभी, देखो भाभी, ये साड़ी मुझ पर जच रही है ना, सुंदर लग रही हो ना मैं? अरे पगली, इतनी बड़ी भी नहीं हुई है कि अपनी भाभी से कुछ छुपा पाए। सेठ जी अंदर आ जाइए, ये है मेरी गुड़िया। शादी बहुत बहुत मुबारक हो बेटी। शुक्रिया सेठ जी। खुश रहो बेटा, और ये लो, ये तुम्हारी भाभी की तरफ से तुम्हारे लिए तोहफा। सुरभि ने फौरन से उस थैली को खोला तो उसमें बहुत ही खूबसूरत सा लहंगा था। सुरभि कुछ न कह सकी, वो बस सुमित्रा की तरफ देखकर रोए जा रही थी। और फिर, तुम्हें पता है बेटी, तुम शादी में बढ़िया सा लहंगा पहन सको इसके लिए तुम्हारी भाभी ने मेरी दुकान पर काम करना शुरू किया। दिन रात सिलाई का काम सीखा और फिर हर रोज थोड़ा थोड़ा करके इसने अपने हाथों से तुम्हारे लिए ये लहंगा सिला है। पर सेठ जी, आपके बिना ये सब मुमकिन ना हो पाता। अरे मैंने तो सिर्फ तुम्हें कपड़ा दिया, लेकिन तुमने अपना सब कुछ दे दिया इसमें। ये लहंगा सच में बहुत अनमोल है। मुझे नहीं पता कि इस गांव में इतना महंगा लहंगा आज तक किसी दुल्हन ने पहना है कि नहीं। नहीं पहना होगा सेठ जी, क्योंकि किसी भी दुल्हन के पास इतनी प्यार करने वाली माँ जैसी भाभी थोड़ी ना होगी। भाभी। गरीब अमृता सिलाई मशीन पर बैठी कपड़े सिल रही होती है, तभी उसकी तीनों नंद
दीपिका सीमा और गरिमा वहाँ पर आती हैं। अमृता भाभी, हम तीनों कॉलेज जा रही हैं। दीपिका, ये लो कुछ पैसे रख लो। अरे नहीं नहीं भाभी, इसकी क्या जरूरत है। तभी अमृता की नज़र अपनी तीनों नंद के पहने सूट पर जाती है जो कि पुराने हो चुके थे, और वो उदास मन से कहती है, मैं जानती हूँ मैं चाहे कितनी भी कोशिश क्यों ना कर लूँ, मगर माँ जी की जगह तो नहीं ले सकती। ये पैसे रख लो। शुक्रिया भाभी, अब हम चलते हैं। नंद के जाने के बाद अमृता फिर से कपड़े सिलने बैठ जाती है और रोते हुए कहती है, दिन रात इतनी मेहनत से कपड़े सिलने के बाद भी मुझ गरीब दर्जी भाभी की तीनों नंद ने फटा पुराना सूट पहना था, मैं एक अच्छी भाभी नहीं बन पाई। तभी अमृता देखती है कि सिले हुए कपड़े खराब हो गए हैं। हे ऊपर वाले, ये क्या, ये ब्लाउज तो खराब हो गया। शारदा जी ने कितने भरोसे के साथ मुझे ये ब्लाउज सिलने को दिया था, अब तो ये ठीक भी नहीं हो सकता है। मैं उन्हें क्या जवाब दूंगी। ये सोचकर अमृता उदास हो जाती है कि तभी कोकिला एक महंगे से लहंगे को सिलने का कपड़ा लेकर आती है। अरे अमृता, अंदर हो क्या। जी हाँ कोकिला जी, आ जाइए। ये लो, ये मेरी बेटी का शादी का लहंगा है, इसे सिल देना। दो दिन में मेरी बेटी प्रीति की शादी है। अरे वाह कोकिला जी, इस लहंगे का कपड़ा तो बहुत महंगा लगता है। हाँ, वो मखमल का कपड़ा है ना, और फिर शादियाँ कोई बार बार थोड़ी ना होती हैं। वैसे अमृता, तुम्हारी तीन नंद भी तो शादी के लायक हो गई हैं। तुम कब करोगी उनकी शादियाँ। कोकिला की इस बात पर अमृता उदास होकर कहती है, मैं और विजय जी मेरी नंद के लिए रिश्ता तो ढूंढ ही रहे हैं, मगर आजकल इस महंगाई के जमाने में बिना दहेज दिए अच्छे रिश्ते मिलते ही कहाँ है कोकिला जी। और फिर मैं गरीब दर्जी दिन रात की मेहनत से कपड़े सिलकर जो भी कमाती हूँ उससे घर का खर्चा ही चल पाता है। मैं तुम्हारी परेशानियाँ समझती हूँ अमृता, मगर तुम्हारी तीनों नंद दिखने में बहुत सुंदर हैं। बिना दहेज के भी रिश्ता तो लग जाएगा, कहो तो मैं ढूंढूं। जी जरूर कोकिला जी, आपका मुझ पर बड़ा उपकार होगा। थोड़े ही दिनों में कोकिला के बताए गए पते पर गायत्री अपने तीनों बेटों निखिल, अक्षय और सुमित का रिश्ता लेकर आने वाली होती है। अमृता, ये लो, मुश्किल से आज एक गोदाम में राशन की बोरी ढोने का काम मिल गया था, 100 रुपए कमा पाया हूँ। विजय जी, इतनी महंगाई में 100 रुपए से क्या होगा। क्या करूँ अमृता, कोई पक्का काम मिलता ही नहीं। मेरी तरह ना जाने कितने गरीब बेचारे काम के लिए भूखे बैठे हैं। सुनिए, कोकिला जी ने एक रिश्ता बताया है, वो कल दीपिका सीमा और गरिमा को देखने आ रहे हैं। गरीबी के चलते बेचारी गरीब भाभी रात भर जाकर कपड़ों के कतरन जोड़ जोड़ कर अपने तीनों नंद के लिए एक एक सूट सिलकर तैयार कर देती है। तीनों बहनें गायत्री के पैर छूकर आशीर्वाद लेती हैं और उन्हें चाय नाश्ता परोसती हैं। माँ जी चाय। अमृता, मुझे तो तुम्हारी तीनों नंद बहुत पसंद है, ये रिश्ता तो तुम पक्का समझो। कोकिला जी ने मुझे तुम्हारे घर की गरीबी भरी हालतों के बारे में सब बताया था, इसलिए मुझे कोई भी दहेज नहीं चाहिए। बस हमारे बारातियों का अच्छे से स्वागत कर देना और एक जोड़े में अपनी नंद को विदा कर देना। ये सुनकर गरीब भाभी आंसू भरी आँखों से हाथ जोड़कर कहती हैं, बहुत बहुत शुक्रिया माँ जी। अमृता के हाथों कपड़ों के खराब होने के चलते अब कोई भी उससे कपड़े नहीं सिलवाता। वहीं विजय को भी कोई भी मजदूरी का काम नहीं मिलता। ऐसे में देखते ही देखते शादी का दिन भी पास आ जाता है। अमृता अपना मन हल्का करने के लिए फूलों के बगीचे में आती है, जहाँ वो अक्सर आया करती थी।
हम गरीबों को अपनी जिंदगी में कितनी परेशानियाँ उठानी पड़ती हैं। काश कि गरीबों की जिंदगी इन फूलों की तरह ही खुशियों के रंग से भरी होती। 2 दिन में मेरी तीनों नंद की शादी है और मुझ गरीब दर्जी भाभी के पास 1 फूटी कौड़ी भी नहीं है। ऐसे में मैं गायत्री जी को दिया हुआ वादा कैसे निभा पाऊंगी? तभी अचानक अमृता की नज़र बगीचे के बीच रखी एक लाल पोटली पर पड़ जाती है। जैसे ही अमृता उस पोटली को खोलती है, उसमें नोटों की गड्डियाँ भरी होती हैं। इतने सारे पैसे भला यहाँ पर कौन छोड़ गया है? उस इंसान ने ये पैसे कितनी मेहनत से कमाए होंगे। मुझे यहीं बैठकर उसका इंतजार करना चाहिए। अमृता वो पोटली लेकर वहीं पर बैठी रहती है कि तभी उसकी आंख लग जाती है और वो सपना देखती है जहां एक सुंदर सी परी उससे मिलने आती है। अमृता, ये धन मेरी तरफ से तुम तोहफा समझो, क्योंकि तुम्हारी वजह से इस जंगल के बगीचे में ये जान है और ये रंग बिरंगे फूल खिले हैं, इसलिए ये पैसे तुम्हारे हैं। इसी के साथ अमृता की आँख खुल जाती है और वो पैसे लेकर घर वापस आ जाती है। भाभी, कहाँ चली गई थी आप? सुबह से आपने कुछ भी नहीं खाया है। अरे मेरी प्यारी नंद, शादी के घर में ऐसी भाग दौड़ी तो लगी ही रहती है। 2 दिन बाद तुम तीनों अपनी इस गरीब दर्जी भाभी के घर से डोली में बैठकर विदा हो जाओगी। फिर कौन खाना लेकर मेरे पीछे पीछे आएगा? अपनी गरीब दर्जी भाभी की ये बात सुनकर उसकी तीनों नंद का दिल भर आता है। उन पैसों से अमृता बड़े ही अच्छे तरीके से शादी का टेंट लगवाती है। उसी दिन से हल्दी मेहंदी की रस्में भी शुरू हो जाती हैं। देखिए विजय जी, मेरी तीनों नंद आज कितनी खुश लग रही हैं। मैंने तो सपने में भी नहीं सोचा था कि उनकी शादी इतनी अच्छे से कर सकूंगी। शादी के टेंट से लेकर बैंड बाजे वाले से लेकर हलवाई भी सब कर लिया है। तभी अचानक से अमृता कहती है, हे ऊपर वाले, इतनी जरूरी बात मैं कैसे भूल गई? मैं अपनी तीनों नंद के लिए शादी का जोड़ा तो खरीद ही नहीं पाई और अब तो पैसे भी बहुत थोड़े बचे हैं। बचे हुए थोड़े से पैसों को लेकर ही गरीब भाभी एक लहंगे के शोरूम में आती है, जहां उसे अपने तीनों नंद के लिए 3 सुंदर से लहंगे पसंद आते हैं। ये लहंगे तो बड़े ही सुंदर हैं। इसे पहनकर तो मेरी तीनों नंद लाखों में एक लगेंगी। सुनिए भाई साहब, ये शादी के लहंगे कितने के हैं? 1 लहंगा 30,000 का है, तो 3 लहंगे 90,000 के होंगे। 90,000? इतने पैसे तो मेरे पास अभी नहीं है। देखिए भाई साहब, कल मेरी तीनों नंद की शादी है और मुझे ये शादी का जोड़ा खरीदना है ताकि मैं उन्हें थोड़ी खुशी दे सकूं। बड़ी उम्मीद से मैं यहाँ आई हूँ। मैं एक दर्जी हूँ, ये लहंगे मुझे थोड़े सस्ते में दे दीजिए, बदले में मैं आपकी दुकान के लिए कपड़े सिल दूंगी। ये सुनकर खड़ूस घमंडी दुकानदार अमृता को धक्के मारकर वहाँ से बाहर निकालते हुए कहता है, ये फुटपाथ का चलता फिरता ठेला नहीं है, हाई फाई शोरूम है। इतना महंगा लहंगा खरीदने की तेरी औकात नहीं है, भाग यहाँ से। इतनी जिल्लत झेलने के बाद अमृता रोते हुए एक बाजार में आ जाती है, जहाँ पर बैठकर कुछ गरीब व्यापारी कपड़ों के टुकड़े बेच रहे होते हैं। 50 रुपए मीटर, 50 रुपए मीटर, लहंगे का मखमली कपड़ा गोटा मोती 50 रुपए मीटर, 50 रुपए मीटर। मैं तो खुद एक दर्जी ही हूँ, अपनी तीनों नंद की शादी का जोड़ा मैं खुद ही सिल सकती हूँ। शुक्रिया ऊपर वाले, मुझ गरीब दर्जी भाभी को ये रास्ता दिखाने के लिए। लहंगा बनाने का सामान लेकर गरीब भाभी घर पर आ जाती है और रात भर जागकर अपनी तीनों नंद के लिए आंखें गड़ाकर शादी का जोड़ा तैयार करती है, जिस वजह से उसका हाथ कई जगह जख्मी भी हो जाता है। शादी के दिन सुबह अमृता अपनी तीनों नंद को लहंगा देते हुए कहती है,
दीपिका, सीमा, गरिमा, ये लो तुम्हारी गरीब दर्जी भाभी की तरफ से तुम तीनों की शादी का जोड़ा। अरे वाह अमृता भाभी, ये शादी का जोड़ा तो बड़ा ही सुंदर है। हाँ भाभी, ये लहंगा तो बड़ा ही महंगा लगता है। भाभी, आपने पहले ही हमारी शादी में इतना खर्चा किया है। गरिमा, ये लहंगा मैंने खरीदा नहीं, बल्कि तुम तीनों की शादी का ये जोड़ा मैंने अपने हाथों से सिला है। चलो अब जल्दी से तुम तीनों ये शादी का जोड़ा पहनकर तैयार हो जाओ, बारात बस आती ही होगी। आखिर में वो गरीब दर्जी भाभी अपने हाथों से सिले हुए शादी के जोड़े में अपनी तीनों नंद को मंडप में लाकर बिठा देती है, जहां उनकी शादियां गायत्री के तीनों बेटों से हो जाती है। विदाई के वक्त अमृता की तीनों नंद उसके गले लगकर बहुत रोती हैं। भाभी शुक्रिया, आपने हम तीनों का माँ से भी ज्यादा ख्याल रखा और आज हमारी शादियाँ भी की। अपना और भैया का ख्याल रखना भाभी। तुम भी अपना ख्याल रखना, भगवान तुम तीनों को हर खुशी दे। जाओ मेरी प्यारी नंद। अमृता ने अपनी तीनों नंद के लिए सिले सुंदर से शादी के जोड़े के बाद से उसे बहुत सारे लहंगे सिलने के ऑर्डर आने लगते हैं, जिसके बाद बहुत जल्द अमृता अपने हाथों के हुनर और मेहनत से अपनी गरीबी भरी जिंदगी को बिल्कुल ठीक कर लेती है। सागरपुर गांव में रहने वाला किशोर एक गरीब दर्जी था। उसके परिवार में कुल तीन लोग थे, किशोर, उसकी पत्नी निर्मला और बेटी चांदनी। चांदनी का रंग बेहद काला था, मगर वो मन की बेहद साफ थी। एक दिन देर रात दर्जी की दुकान बंद करके किशोर घर लौटता है। बाबूजी आप आ गए, माँ कब से आपकी राह देख रही थी। आप बैठिए, मैं आपके लिए पानी लाती हूँ। जैसे ही चांदनी रसोई का रुख करती है, निर्मला बोलती है, अजी हमारी चांदनी की शादी की कुछ बात बढ़ी क्या। हाँ भाग्यवान, कल कल्याणी जी अपने बेटे के साथ हमारी बेटी को देखने आ रही हैं। ईश्वर से यही विनती है कि अब की बार हमारी बेटी की जोड़ी बंधन का गठजोड़ हो जाए। देखते ही देखते रात का अंधेरा छा जाता है और कुछ ही देर में सुबह हो जाती है। सुबह होते ही निर्मला अपनी बेटी चांदनी से कहती है, चांदनी बेटी, आज तुझे देखने के लिए रिश्ते वाले आने को हैं। ये पीले रंग का सूट तुझ पर बहुत खिलेगा, इसे पहनकर अच्छे से तैयार हो जाना। थोड़ी ही देर में कल्याणी देवी अपने बेटे के साथ दर्जी किशोर के घर आती हैं। तभी चांदनी हाथों में चाय नाश्ता लिए उनके सामने आती है, जिसे देखकर कल्याणी गुस्से से बौखला कर कहती है, किशोर भाई, फोन पर तो तुमने अपनी बेटी की बड़ी बड़ाई हाकी थी कि तुम्हारी बेटी खरा सोना है, लेकिन यह तो कोयले की खान निकली। इतने भी बुरे नहीं आए कल्याणी देवी के जो अपने बेटे की शादी इस काली कलूटी से करना पड़े। बहन जी, मैं जानता हूँ कि मेरी बेटी रंग की जरा कच्ची है, मगर मन की मैली नहीं है। एक बार इसकी बाहरी रंगत को छोड़ कर देखिए। ठीक है, मुझे ये रिश्ता मंजूर है, मगर एक शर्त है। अगर तुम दहेज के दाम में 5 लाख रुपए नगद, 4 चक्के की गाड़ी और बड़े से शादी हॉल में ब्याह करोगे, तो मैं मेरे बेटे की शादी तुम्हारी इस काली कलूटी बेटी से करने को तैयार हूँ। बोलो मंजूर है। कल्याणी के मुंह से दहेज की बात सुनकर गरीब किशोर के माथे पर चिंता की लकीरें उभर आती हैं, जिसे देखकर चांदनी कहती है, माफ कीजिए, मगर मुझे ये शादी नहीं करनी। बेहतर होगा आप अपने बेटे के साथ लौट जाइए। वो रहा दरवाजा, जाइए और किसी रईस घर का दरवाजा खटखटाइए, जहां आपको ढेरों दान दहेज मिल सके। जा रही हूँ, मगर एक बात याद रखना किशोर दर्जी, इस जन्म में तो तुम्हारी काली कलूटी का कन्यादान होने से रहा। ये काली कलूटी तुम्हारी छाती पर खीला गाड़ कर रहेगी। हाँ, क्योंकि किसी को शौक नहीं है अपने घर में अंधेरा करने का।
कल्याणी के जाते ही चांदनी जमीन पर बैठ जाती है। तभी निर्मला कहती है, चांदनी बेटी संभाल खुद को बेटा। माँ बाबूजी अपनी बेटी को माफ कर दीजिए, मेरे काले रंग के कारण आप दोनों हमेशा रुसवा होते हैं। बाबूजी शायद ऊपर वाला आपकी बेटी के हाथों में शादी की लकीरें खींचना भूल गया, इसीलिए अब फिर कभी मेरी शादी की बात मत करना। ये पहली दफा नहीं था जब कोई उसका मजाक बनाकर उसे ठुकरा कर गया। इस वाक्य ने चांदनी के मन में भारी ठेस पहुंचाई, इसलिए चांदनी अपने पिता के साथ दर्जी की दुकान पर कपड़े सिलना सीखने लगी। फिर कुछ महीने बीत गए। अरे वाह बेटी, क्या बात है, तू तो अपने बाबूजी से भी बेहतर कपड़े की कटिंग करने लगी है और सिलाई भी एकदम अच्छी कर रही है। वो तो होगी ही ना बाबूजी, मैं दर्जी की बेटी जो हूँ। फिर कुछ समय बीतता है और कुछ दिनों के बाद गांव में मयंक नाम का एक कलेक्टर आता है। गांव की सारी लड़कियां आपस में बात कर रही थी कि तभी चांदनी कहती है, क्या बात है टीना, तुम सभी इतना खुश होकर आपस में क्या बातें कर रही हो? तुझे तो दिन भर अपनी दर्जी की दुकान से फुर्सत ही नहीं है। अरे हमारे सागरपुर गांव में कलेक्टर आए हैं। उनका चेहरा एकदम दूध की तरह गोरा चिट्टा है और कद काठी में तो एकदम डैशिंग दिखता है। रहने दे टीना, इसे मत बता, क्योंकि कलेक्टर साहब तो इसके काले रंग को देखकर ही दूर भाग जाएंगे। अपनी सहेलियों की तानो भरी बातें सुनकर चांदनी रोते हुए अपनी दर्जी की दुकान पर आती है और देखती है, ये सागरपुर में अनजाना चेहरा कौन हो सकता है, कहीं ये वही कलेक्टर तो नहीं? देखिए किशोर काका, मैं इस गांव का कलेक्टर हूँ। अगर इस गांव में कोई भी गुंडागर्दी करने वाला मौजूद है तो आप मुझे बेझिझक बता सकते हैं। कलेक्टर के सवाल पर दर्जी किशोर के होश सिल जाते हैं, मगर चांदनी हिम्मत बांधकर बोल पड़ती है, मैं बताती हूँ बाबू साहब, कल्लर नाम का एक आवारा गुंडा सागरपुर के दुकानदारों से हर हफ्ते पैसा वसूल कर ले जाता है, इसीलिए हम गरीब साल भर की मेहनत के बाद भी गरीबी की मार झेलते हैं। चांदनी का बेखौफ बुलंद अंदाज देखकर मयंक उसकी ओर खींचा चला जाता है और कल्लन की गुंडागर्दी से गांव को निजात दिलाने की खुशी में किशोर कहता है, शुक्रिया मयंक बाबू, आज आपकी बदौलत सागरपुर गांव को कल्लन जैसे गुंडे से रिहाई मिली है। काका, इस जीत की असल हकदार चांदनी है जिसने मेरी मदद की है। ऐसा कहते हुए मयंक चांदनी को वो हार पहना देता है जिससे चांदनी के मन में मयंक के प्रति प्रेम उमड़ने लगता है। एक दिन चांदनी खुद मन ही मन सोचती है, कलेक्टर बाबू ने तो अपना हार मुझे दे दिया है, मैं उन्हें क्या दूँ, मेरे पास तो इतने पैसे भी नहीं है कि उन्हें देने के लिए कोई गिफ्ट खरीद सकूं। क्यों ना मैं अपने दर्जी के हुनर से उनके लिए एक सुंदर सी शर्ट सिलूं। चांदनी पूरे मन से मयंक के लिए शर्ट सिलने लगती है। ये देखकर उसका दर्जी पिता किशोर बात को समझ जाता है, बावजूद इसके वो अपनी बेटी को कुछ नहीं कहता। उसी शाम दर्जी चांदनी मयंक के दफ्तर में जाती है। अरे चांदनी, तुम इतनी देर शाम को यहाँ? बाबू साहब, मैं वो मैं। अरे क्या बात है, तुम इतनी झिझक क्यों रही हो और ये तुम्हारे हाथ में क्या है? वो बाबू साहब, मैंने अपने हाथों से आपके लिए एक शर्ट सिली है, पर पता नहीं आपको पसंद आएगी भी या नहीं, आप तो मॉल के महंगे कपड़े पहनते हैं ना? नहीं चांदनी, तुम्हारा तोहफा मेरे लिए मुंबई से भी बढ़कर है, शुक्रिया दर्जी साहिबा। मयंक की दिली हसरत जानकर चांदनी के कदम तेजी से आगे बढ़ जाते हैं। दोनों एक दूसरे को ललक के साथ देखने लगते हैं। मगर अगले ही दिन ये खबर गांव में आग की लपटों की तरह फैल जाती है और चांदनी की सहेलियां उससे कहती हैं,
क्यों एक काली करोटी, तू तो बड़ी शातिर निकली, कलेक्टर साहब को मीठी छुरी से कैसे फंसा रही है। अरे टीना, शहरी बाबू का कोई भरोसा नहीं, अव्वल दर्जे के दगाबाज होती हैं। इतना बेवकूफ नहीं कि दर्जी की बेटी के साथ फेरे लेंगे। बस इस काली चांदनी से मतलब निकाल कर अंधेरे में छोड़कर फुल हो जाएंगे। दूर खड़ा मयंक ये सब सुन लेता है। वही चांदनी मन ही मन में कहती है, सच ही तो कह रही है ये सब, मैं तो मयंक बाबू की धूल बराबर भी नहीं हूँ, वो भला मुझ बदसूरत से शादी क्यों करना चाहेंगे। हर इंसान हीरा पाने की तमन्ना रखता है, मगर हीरा मिलता तो किसी एक खास को है। चांदनी अपने मन को समझा बुझाकर घर जाने लगती है। तभी वो देखती है कि मयंक उसके घर पर है। अरे कलेक्टर बाबू, आप यहाँ? चांदनी, तेरी किस्मत तो बहुत अच्छी है बेटी, कलेक्टर साहब तुझसे शादी करना चाहते हैं। पिता की ये बात सुनकर चांदनी की आंखों में खुशियों की बारिश बरस पड़ती है, मगर उसके मन में सखी सहेलियों की बोली हुई बातें याद आती हैं। लेकिन तभी मयंक बोल पड़ता है, मुझे तुम्हारे जैसी सुलझी हुई जीवन साथी चाहिए, वो कोई और नहीं तुम हो चांदनी। मैंने जब तुम्हें पहली दफा देखा था तभी तुम्हारी तस्वीर मेरे मन में बस गई थी, मगर मैं तुम्हें पूरी तरह से जानना चाहता था। अब ये तुम पर है कि तुम मुझे अपना हमसफर बनाने का हक देना चाहती हो या नहीं। मयंक की बातों से चांदनी के मन पर छाए काले बादल हट जाते हैं और वो शादी के लिए हामी भर देती है। आखिरकार गरीब दर्जी किशोर की बेटी की शादी बड़े ही धूमधाम से हो जाती है। किसने सोचा था कि चांदनी की किस्मत इतनी बलवान निकलेगी कि वो कलेक्टर की पत्नी बन जाएगी। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी? अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो इसे जरूर लाइक करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।